हलवाई के हाथ के खाने का सीक्रेट क्या है जानते हैं आप? नहीं, मैं बताऊं? देखिए भाई, एक तो उनके हाथ में घी, तेल, मसालों का कोई रोक टोक नहीं होता, और दूसरा पूरी तसल्ली से, इत्मीनान से बैठकर खाना बनाते हैं वो। इसीलिए तो शादियों के खाने में एक अलग ही स्वाद होता है। तो समझ गए ना आप, आज कुछ शादी स्पेशल बन रहा है। कौन सी डिश? हलवाई स्पेशल मिक्स वेजिटेबल की सब्जी। दरअसल हुआ क्या कि कुछ दिन पहले ना भी मैं एक शादी में गई थी, तो वहां पर ना लोग जो नॉर्थ इंडियन फूड था उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। आप तो जानते ही हैं, आजकल शादियों में अलग अलग स्टॉल्स लगने लग गए हैं, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, फिर वो चाट काउंटर, फिर चाइनीज का अलग, इटालियन का अलग। हाँ, तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि नॉर्थ इंडियन फूड की वहाँ सब लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे, स्पेशली मिक्स वेजिटेबल की सब्जी की। तो हमें लगा हम भी चेक कर आते हैं, और हमने जब जाकर चखा तो भाई बहुत मज़ा आया। और फिर हमको लगा कि ये जो स्पेशल वाली मिक्स वेजिटेबल की सब्जी है ना, इसका स्वाद आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो फिर क्या कहते हैं, शुरू करें? तो चलिए, पहले तो आपको ये बता दूं कि सब्जियां कौन कौन सी लेनी है इस मिक्स वेजिटेबल के लिए। भाई भाई, सब्जियां ले लेंगे जो आजकल इस मौसम में बढ़िया बढ़िया सी आ रही हैं, जैसे कि ये गोभी हो गई, और फिर गाजर है, बीन्स हैं, और ये बेबी पोटैटोज हैं, मटर है, पनीर है, और इसी के साथ साथ ये जो शिमला मिर्च मैंने कट करके रख ली है ना, ये भी। आज बिल्कुल हलवाई जैसी आलू की सब्जी सिखाऊंगी मैं आपको, मेरा इसमें कोई वेरिएशन नहीं रहेगा। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट गो इनटू द सब्जी। आपको लगेगा ये इसमें कैसे पड़ सकता है, लेकिन देखिएगा उसी से आएगा इसमें वो हलवाई जैसा स्वाद। तो चलिए, पहले तो ये समझ लेते हैं कि इन सब्जियों को कैसे कट किया जाए। तो भाई, बड़े बड़े साइजेस में हमको इनको कट करना है। क्यों? सिंपली एक रीजन तो ये है कि ये ढेर सारी सब्जी बनती है ना इकट्ठी बल्क में, इसलिए अगर बहुत छोटा छोटा इनको कट कर दिया जाएगा तो क्या होगा, सब्जियों के टूटने का, बिखरने का डर रहेगा। और दूसरा रीजन ये कि पकने के बाद ये अभी थोड़ी और श्रिंक हो जाएंगी। और तीसरा ये कि बड़ी बड़ी सब्जियां एक बड़े से सर्विंग डिश में ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी, वो इतनी छोटी छोटी सी कटी हुई होंगी ना, तो समझ में नहीं आएगा कि ये डिश कौन सी है। इसलिए तो ये रीज़न है क्यों कोई हलवाई सब्जियों को बड़े पीसेस में कट करता है। डन। अब नोट कर लीजिए अपनी टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि इस गोभी को हम पहले भिगो करके रखेंगे थोड़े गुनगुने पानी में, जिसमें हम थोड़ा नमक और हल्दी डाल देंगे। ऐसा करने से अगर इसमें कहीं कोई भी कीड़े वीड़े होंगे ना, तो वो बाहर निकल आएंगे। अब इसी तरीके से ये गाजर को भी पील करके बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेते हैं। गाजर को ना मैं आधा इंच के थिक स्लाइसेस में कट कर ले रही हूं। ऐसा करने से जब मैंने फ्राई करूंगी ना, तो ये डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे, और इसी के साथ साथ ये जो बड़े बड़े पीसेस हैं ना, जो एंड की तरफ रह जाते हैं, इनको मैं हाफ में कट कर लूंगी, सो दैट दे कुक एट द सेम टाइम जब हमारे छोटे गाजर के पीसेस कुक होंगे। साइज बराबर रहेगा तो कुकिंग टाइम भी बराबर रहेगा। अब इन्हें भी आप एक छन्नी में ले लीजिए और अच्छे से वॉश कर लीजिए, और तब इसे मैं यहाँ पर अपनी प्लेट में निकाल लूंगी। ऐसे ही इन बीन्स को भी 1 इंच के पीसेस में हम कट कर लेंगे, छोटे पीसेस में कट नहीं करेंगे। अब ये जो बेबी पोटैटोज है ना मेरे पास, इनको भी पील करके हाफ में कट करके मैं रख लूंगी। आलू को पानी में डाल करके रखेंगे, और जब ये आलू हो जाएगा इसके बाद ऐसे ही ये जो पनीर है, इस पनीर को भी 1 इंच के क्यूब्स में कट करके रख लेंगे। तो मटर तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर ये फ्रोजन वाली छिली हुई है, और ये देखिए अब ये सारी की सारी वेजिटेबल्स हमारी रेडी हो गई। वेजिटेबल्स डन। अब बाकी की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मेरे पास है यहाँ पर थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च। तो ये 2 इंच अदरक और 3 से 4 हरी मिर्च में ले लूंगी, और इनको कूट करके इनका एक पेस्ट बना लूंगी।
दिस डन। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा काजू भिगो करके रखा हुआ है, तकरीबन 15-16 काजू हैं ये, इनको ना मिक्सी में पीस करके मैं इनका एक फाइन पेस्ट बना लूंगी। ये भी हो गया। अब अगला क्या करना है हमको, अगला ये जो 3 बड़े बड़े टमाटर है ना मेरे पास, ये टमाटर को भी रफली चॉप करके मैं इसको भी मिक्सी में पीस करके इसका एक पेस्ट बना लूंगी। अब ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, कहा था ना आपसे वो हलवाई की सब्जी का क्या राज होता है, वो राज आपके साथ शेयर करूंगी। तो जानते हैं हलवाई क्या करता है, ये सारी सब्जियां जो हमने यहां पर काट करके रखी हुई है ना, पहले इन सब्जियों को डीप फ्राई करके निकाल लेता है। अब ये वेजिटेबल्स को फ्राई करने का भी ना एक कारण होता है, जानते हैं क्या, वो ये एक तो फ्राइंग से ये वेजिटेबल्स अपना टेक्सचर रिटेन करते हैं, और दूसरा फ्राई करने से ये जो वेजिटेबल्स हैं इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। देखिए हलवाई बनाता है सब्जी सुबह और सर्व की जाती है शाम को, इसीलिए वो इन सब्जियों को फ्राई कर लेता है ताकि जब आप अपनी डिश सर्व करें ना, उसमें वो सब्जियां लंबे समय तक सही बनी रहे, खराब ना हो, समझे। गोभी हो गई है गोल्डन, इसे निकाल लेते हैं और अब इसमें आलू फ्राई करने के लिए डाल देंगे। अच्छा याद है ना आपको, मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हलवाई अपनी मिक्स वेज में डालता है, और यू विल बी सरप्राइज टू सी कि ये हमारा इंडियन फूड ही बन रहा है क्या। कौन से है वो इंग्रेडिएंट्स, अभी थोड़ी देर बाद आपको आगे चल के पता चल जाएंगे। हर सब्जी का फ्राइंग टाइम अलग अलग होता है, इसीलिए हर सब्जी को हम अलग अलग फ्राई करेंगे। अच्छा आपने देखा मैंने इसके लिए कोई प्याज व्याज नहीं कट किया है, वो इसलिए क्योंकि यूजुअली हलवाई जो सब्जी बनाता है ना, उसमें प्याज या लहसुन का इस्तेमाल नहीं करा जाता है। हाँ कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि व्हाट दे डू इज कि प्याज को पीसने की जगह दे विल कट इट इनटू लार्ज चंक्स, जैसे कि मैं अभी कट कर ले रही हूँ, और इन प्याज के चंक्स को भी फ्राई करके सब्जी में तब मिलाते हैं। तो हम भी एग्जैक्टली वही करेंगे। आलू भी जब ऐसा गोल्डन हो जाएगा ना, इसे भी निकाल लेंगे, और इसके बाद मैं इसमें गाजर फ्राई करके निकाल लूंगी। गाजर भी गोल्डन हो चुका है, इसके बाद बारी आएगी बीन्स की। बीन्स भी जब हल्की से श्रिंक हो जाएंगी ना, तब हमें पता चल जाएगा कि बीन्स भी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो जब तक ये बीन्स फ्राई होती है, हम एक काम और करते हैं, और वो ये कि हम अपनी ग्रेवी के लिए ना एक मसाले का पेस्ट बना लेते हैं। और इस मसाले के पेस्ट के लिए ना हमें कोई मसाला पीसना नहीं है, सिर्फ ये जो सूखे मसाले हैं, इन सूखे मसालों को पानी के साथ मिक्स कर लेना है। तो एक बोल में मैं ले लूंगी यहाँ पर 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, और इसी के साथ साथ स्वाद के अनुसार नमक। अब इसमें 1/2 कप पानी मिला करके इसका एक पेस्ट बनाकर रख लूंगी। अब ये शिमला मिर्च को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, और शिमला मिर्च के साथ साथ प्याज भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि दोनों का जो कुकिंग टाइम है ना वो सेम होता है। अब अनियन को गोल्डन नहीं करना है, अनियन को पिंक होते ही हम इसे निकाल लेंगे। इसी के साथ साथ ये जो कैप्सिकम है, ये भी फ्राई हो चुका होगा राइट टू द एक्सटेंट दैट वी वांटेड टू फ्राई। फाइनली इसमें ये पनीर फ्राई करके हम निकाल लेंगे, और उसके बाद हमारी सारी वेजिटेबल्स रेडी हो जाएंगी, मटर फ्राई नहीं होगी। पनीर की एजेस भी जब अच्छे से गोल्डन हो जाएंगी ना लाइक दिस, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। वेजिटेबल्स भी रेडी, मसाले भी रेडी, पेस्ट भी रेडी। 2 इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताए, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो आगे चल के बताने वाली हूँ, वो भी मेरे पास रेडी हैं। लेकिन हाँ अभी पहले मैं क्या करूँगी, अब इस कढ़ाई से सारा तेल निकाल लूँगी और केवल 2 चम्मच तेल इसमें रहने दूंगी, जिसमें हम अपनी ग्रेवी को फिनिश कर लेंगे। अब इस तेल में ऐड करूँगी मैं 1/2 छोटा चम्मच शाहजीरा, 2 तेज पत्ता और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च के दाने। अब इसमें ऐड करेंगे ये जो अदरक और
हरी मिर्च का पेस्ट हमने बना करके रखा हुआ है ना, ये पेस्ट। अदरक हरी मिर्च की जब खुशबू आ जाएगी हमको, तब इसमें ऐड करेंगे ये सूखे मसालों का जो हमने पेस्ट बना करके रखा था ना, ये पेस्ट। और इसे भी भून लेंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता। मसाले भी भून गए, तेल भी ऊपर आ गया है, तो अब ऐड कर देंगे इसमें ये जो टमेटो का पेस्ट हमने बना करके रखा था ना, ये पेस्ट। और अब बारी आती है वो दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसमें डालने की, जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और जानते हैं वो क्या है? वो है ये ग्रीन चिली सॉस, जिसे हम चाइनीज कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, और इसी के साथ साथ ये टमेटो केचप भी। टमाटर भी जब अच्छे से पक जाएगा और आप देखेंगे कि आपकी ग्रेवी के ऊपर तेल फिर से तैरने लग गया है ना, तब ऐड कर देंगे हम इसमें वो जो काजू पेस्ट हमने बना के रखा था ना, ये काजू पेस्ट। पहले हमने इसको इसलिए नहीं डाला, नहीं तो काजू पेस्ट नीचे चिपकने लग जाता। वंस अगेन जब इसके ऊपर तेल वापस आ जाएगा, तब ऐड कर देंगे हम इसमें ये सारी की सारी वेजिटेबल्स, और इसी के साथ साथ ये हरी मटर भी। अब 4 से 5 मिनट के लिए इन सारी सब्जियों को इस मसाले के साथ हम भून लेंगे, ताकि सब्जियां मसाले का फ्लेवर भी अब्सॉर्ब कर लें और इसी के साथ साथ इसका मॉइस्चर भी थोड़ा सा कम हो जाए। अब ये देखिए, मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है और काफ़ी लुटपुटी सी हो गई है हमारी ग्रेवी। अब इसको फाइनली फिनिश करेंगे हम थोड़ी कसूरी मेथी के साथ और 1 चम्मच चाट मसाला के साथ। अब फाइनली इसे फिनिश कर लेंगे फाइन चॉप किया हुआ हरे धनिया के साथ, और बस इसका मजा लीजिए आप, चाहे तो पूड़ी के साथ या फिर एग्जैक्टली जैसे शादियों में लेते हैं ना, नान या फिर लच्छा पराठा के साथ। देखा, हो गए तैयार ना घर पर ही वो बिल्कुल हलवाई जैसी मिक्स वेजिटेबल। अब बताइए, आपको वो दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के बारे में मालूम था? नहीं पता था ना, लेकिन यकीन मानिए उसी से आएगा इसमें एक बहुत ही डिलीशियस सा टेस्ट, बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट। घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि अब आपके हाथ में भी वो हलवाई वाला टेस्ट आया कि नहीं आया।